सो हेलो गाइस, इट्स मी लव सेलिन, यू कैन कॉल मी रुक्सिया ऑल्सो। बहुत दिन के बाद मैं मीशो हॉल कर रही हूँ। इट्स लाइक अ ट्राई ऑन हॉल है ये, बहुत दिन के बाद। एग्जैक्टली बहुत दिन बहुत बदली मैं, तो विद अ न्यू बैकग्राउंड। आप लोग देख सकते हो मेरा बैकग्राउंड कितना ज़्यादा सुपर्ब है। आपको मैं एकदम फ्रंट कैमरे, क्या बोलते हैं, बैक कैम से बताऊंगी तो आपको उससे तो प्यार हो जाएगा बैकग्राउंड से। सो येस, और ये मैंने सीटॉन हॉल के लिए ही स्पेशली बनाया है, स्पेशली फॉर यू गाइज, फॉर यू ट्यूब पीपल्स, कि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा डिफरेंट लगे हर बारी में। तो वो रीजन की वजह से मैंने बैकग्राउंड न्यू लिया है आप लोगों के लिए, येस फॉर यू गाइज। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि मीशो हॉल बहुत लंबा जाने वाला है। ऑलमोस्ट मैंने ये एक ही बारी में नहीं खरीदे सारे कपड़े, और जो जो भी मैंने एक्सेसरीज लिए हैं वहाँ से वो एक ही बारी में नहीं खरीदे है, उसको ऑलमोस्ट टाइम लगाते लगाते खरीदा है। अप्रोक्सीमेटली मैंने बोल सकती हूँ 1 मंथ, यस पूरे 1 मंथ का कलेक्शन है मेरा। और मैं जब यूट्यूब, जब मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो डालती हूँ तो आप गाइस कमेंट करके पूछते हो कि ये कहाँ से खरीदा, स्पेशली फॉर द गर्ल्स। तो मैंने सोचा है कि चलो बहुत अच्छा खासा कलेक्शन है मीशो का और उस पर अच्छे खासे ऑफर्स भी चल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो हम बना लेते हैं मीशो हॉल। और मैं फिर बोल रही हूँ कि ये स्पॉन्सर नहीं है, ये जस्ट मेरा कलेक्शन है, मैंने खुद अपने पैसों से परचेस किया है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। और आई एम विद दिस लव विद दिस लाइट, ये ना सेंसर लाइट है, आपको टच करके हॉल करती हूँ। मेरा फेवरेट 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 ऑफ दिस ईयर बोल सकती हूँ मैं, यस दिस ईयर का फेवरेट बोल सकती हूँ। ये नाइट सूट, इट्स लाइक अ वूल क्लॉथ, यस वूल फैब्रिक का है ये, तो ये पूरा वूल फैब्रिक है, ये एक्चुअली ट्रैक है। एंड दिस वन इज द टी शर्ट, आप लोग देख सकते हो। अगर आपकी अभी जो जो भी मैंने पहले पहन लिया है उसके मैं फोटोज डाल दूंगी, और जो पहना नहीं है वो पहन के आपको ट्राई ऑन करके बता दूंगी, ओके, विद द प्राइस एंड विद एवरीथिंग आई विल शो हियर, ओके। सो ये है ट्राई ऑन, ये है वूल सेट विद टी शर्ट एंड ट्रैक, आप लोग देख सकते हो। इसका फैब्रिक एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, सेम मेरे कारपेट के जैसा है, इतना सॉफ्ट भी है ना। मेरे सारे फेवरेट से ये है एक क्रॉप टी शर्ट, आप लोग देख सकते हो इसका चेस्ट साइड, मतलब अपर साइड देख सकते हो, कितना ज्यादा सेक्सी लुक दे रहा है। मैं ये अभी तक पहनी नहीं हूँ, मैं आपको इसका ट्राई ऑन बताती हूँ। इसके स्लीव्स पफी है और यहाँ पर थोड़ा सा फ्लफी फ्लफी स्लीव्स दे दिया है, तो हाई स्लीव्स भी बहुत ज्यादा सुपर्ब है, आप लोग देख सकते हो। इसका मेरे को ना स्पेशली अपर साइड बहुत ज्यादा अच्छा लगा, जो लेयर्स आके आपके मतलब चेस्ट को और ज्यादा, आपके अपर साइड को बहुत ज्यादा अच्छा सेक्सी लुक दे सकते हैं। ये पिंक कलर की टी शर्ट है, क्रॉप टी शर्ट। एक्चुअली मुझे, मेरे पास पिंक कलर के कोई टी शर्ट्स नहीं थे, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं पिंक कलर की टी शर्ट मंगवा लेती हूँ। तो दिस इज द पिंक कलर टी शर्ट विथ लव लिखा हुआ है, और ये भी बहुत कम प्राइस में मिली है, सेइंग फ्रॉम 1 मंथ आई एम डूइंग दिस कलेक्शन, और इसमें से मैंने तो अब तक पहना भी नहीं। तो इसके स्लीव्स ऐसे ओपन रहेंगे गाइस, तो इसके स्लीव्स पूरे ऐसे ओपन रहेंगे, तो आप ऐसे पहन के ऐसे टाई अप करना पड़ेगा आपको, ऐसे लाइक ऐसे टाई अप करना पड़ेगा, तो इसके फ्लफी फ्लफी स्लीव्स आएंगे आपको। और ये फ्रंट साइड है, और ये मेरा स्माइल, मेरे जितने भी, अगर मेरे साइज के जो भी लोग हैं, मेरे जैसे पतले दुबले लोग हैं, तो वो स्मॉल साइज ही मंगाइए इसमें। बस वेट कर रही हूँ क्योंकि मेरा बर्थडे आने वाला है 31 दिसंबर। मैं सोच रही हूँ कि जब तक कुछ ऐसा डिफरेंट पहनूं उस टाइम पे, तो इसलिए मैंने पहना नहीं है। तो ये है एकदम जीन्स जैकेट, डेनिम जैकेट टाइप है, तो ये आपको, ये तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा था, जो कलरफुल ऐसा था ना, उस टाइम पे ही मैंने लिया था बट पहना नहीं था। तो ये डेनिम जैकेट है विथ, ओ माई गॉड, ये मैं तो इससे ना ज़्यादा लव हो चुकी हूँ। अगर जिसको बहुत ज़्यादा वेस्टर्न ड्रेसेस पसंद है और फिर भी फुल पहनना चाहते वो ट्राई ऑन कर सकते हैं इसके ऊपर, लाइक देख सकते हैं। और इसका पैंट, इट्स ऑल्सो लाइक अ पैंटी टाइप पैंट है ये। तो गाइस ये ब्लैक कलर का श्रग है, इसको आप जैकेट भी बोल सकते हो, जो आज तो विंटर, इस बार इस ये टाइम पे तो विंटर चल रहा है, आई मीन हाफ स्लीव्स पहन के अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो उन लोग ये श्रग मंगा सकते हैं विद अ गुड फैब्रिक। ये भी रेयन का फैब्रिक है, और रेयन में अच्छा बेस्ट फैब्रिक है बोल सकते हैं आप। टॉप ये तो आपने मेरे वीडियोज में देखा होगा, जो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते वो मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, जरूर फॉलो करिए।
तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए गाइस, ये तो आप लोग ने देखा होगा, ये तो मेरा फेवरेट फेवरेट फेवरेट, क्योंकि ये कलर ही इतना ज़्यादा सुपर्ब है, मुझे और ज़्यादा ब्राइट दिखता है ये, और ये ब्राइट कलर भी है एक्चुअली, इतना वीडियो में समझ नहीं आ रहा होगा बट ये ब्राइट कलर है, ग्रीन ब्लू ज़्यादा डिफरेंट है, और ये क्रॉप है, बट अगर कोई क्रॉप पे थोड़े अनकंफर्टेबल फील हो रहे हैं तो मैं आप लोगों के पास एक आई तक मंगा ले सकते हैं। एग्जैक्टली ये श्रग तो इतना ज़्यादा पसंद है गाइस मुझे, मैंने अभी लिया भी है और पहन लिया भी है, बट इसके फोटोज वीडियो कुछ भी नहीं लिया, तो इसका ये एक श्रग है, आप देख सकते हो स्लीव्स पे कितना अच्छा सा डिज़ाइंड होके है और नीचे भी डिज़ाइंड होके है, मैं आपको इसका भी वीडियो बता दूंगी, अगर ट्राई ऑन हॉल करके बताऊंगी, तो देख सकते हो गाइस, क्राइप नहीं कर सकती, इसे मैंने पहन भी लिया, इसकी फ़ोटो मैं डाल दूंगी, जो मैं पहन ली उसका मैं फोटो डाल दूंगी, जो नहीं पहनी वो ट्राई ऑन हॉल करके बताऊंगी, ये भी स्मॉल साइज में है गाइस, तो ये है इस टाइप का, आप लोग देख सकते हो स्लीव्स ऐसी फ्लफी फ्लफी, एक्चुअली आजकल मुझे ना पता नहीं कोई फ्लफी स्लीव्स वाले बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहे हैं एकदम खुले खुले टाइप के, तो इसलिए मैंने सेम ऐसी परचेस किया, ये भी फ्लफी स्लीव्स है, और ये थोड़ा सा नाइट ड्रेस नाइट सूट टाइप लगता है, बट ये नाइट सूट नहीं है, यहाँ पर रिबिन भी आती है, वो रिबिन पता नहीं मैं कहाँ रख दी, ये भी मैंने मीशो से ही खरीदा, मैंने ये जितने भी चीज़ें खरीदे हैं ना वो सिर्फ अंडर 500 ही हो गए, उससे ज़्यादा तो नहीं हो गए, क्योंकि ये 500 के अंदर ही है जिसने भी मैंने लिया है, और जो भी नहीं जो भी ज़्यादा है उसके भी अमाउंट्स मैं डाल दूंगी। हम अब ज्वेलरी लेंगे, ज्वेलरी की भी ज़रूरी है, ज्वेलरी भी ज़रूरी है, मतलब देख सकते हो ये इसी का, आपको देख सकते हो फोकस 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 कितना ज़्यादा सुपर्ब लग रहा है ना गाइस, इतना ज़्यादा, सो यस गाइस इट इज ऑल्सो वेरी ऑसम, आप लोग ट्राई ऑन कर सकते हैं इसी पे, एंड द अनदर वन इज, अभी क्यों मैं किस चीज़ का मुहूर्त देख के बैठी हुई हूँ मुझे नहीं पता, बट नहीं ट्राई किया अभी तक ये सारी चीज़ें, तो हार्ट है, चैन है, और द लॉकर है, लॉक है, सो यस यस मुझे अच्छे से याद है, कॉम्बो सेट आया था 200 या 150 में कुछ ऐसा लिया था, कितना ज़्यादा सुपर्ब है देख रहे हो आप चोकर सेट, ये मैंने बहुत सारे जनों को पहनते हुए देखा है चोकर सेट, इसीलिए मैंने भी लिया क्योंकि मेरे पास साड़ी है तो मैं साड़ी के साथ पहनूंगी बल्कि लिया था, तो ये मेरा चोकर सेट आप लोग देख सकते हो, और ऊपर से फेस्टिवल कहते वेडिंग सीजन चल रहा है तो ऐसे ड्रेस ऐसे सेट्स आपके पास होना ज़रूरी है, आप लोग इयररिंग्स भी देख सकते हो कितने ज़्यादा सुपर्ब है, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है गाइस इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। नियॉन की टी शर्ट आप लोग देख सकते हो, ये मैंने भी पहना था, इसके भी वीडियोस है मेरे इंस्टाग्राम पे, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो सो आई एम सेइंग अगेन इंस्टाग्राम पे जाइए फॉलो करिए, और नियॉन टी शर्ट है, इतनी ज़्यादा सुपर फैब्रिक की है, ये भी बहुत अच्छा सा फैब्रिक है आप बोल सकते हो, थोड़ा सा थिक मटेरियल है, आप लोग मैं जितने भी ये कपड़े लिए ना आप उसमें बिना सोचे आँख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसका क्लॉथ उसका फैब्रिक मैं ऐसा नहीं लेती हूँ कि जो भी आया मन पसंद आया ले लो, ऐसा नहीं, एक्चुअली मैं ना मीशो की जीन्स से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि मीशो के जीन्स दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं बट क्वालिटी वाइज इज नॉट दैट मच गुड, और 500-400 में आप लोग उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, तो ये मैंने सिर्फ 400 में लिया था, देखिए सामने पल्स का डिज़ाइन आएगा और ये बेल्ट टॉम टाइप का पॉइंट है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट फैब्रिक थोड़ा सा और ज़्यादा थिक मटेरियल होता तो और अच्छा से चांद पे चांद लग जाते थे, बस पे जैकेट मिलेगी और इसके अंदर रहेगा आपको ऐसे वाला क्रॉप टॉप, आप देख सकते हो अगर किसी को पसंद है ऐसे क्रॉप टॉप पहनना बट अनकंफर्टेबल फील करते हैं वो पब्लिक एरिया में तो वो बिना सोचे इस पे जा सकते हैं, तो ये क्रॉप टॉप है गाइस, एंड इसका भी फैब्रिक ऑब्वियसली रियन है, तो और ये इसका टॉप है, ये मैंने लास्ट ब्लॉग में पहना था विथ गुड चैन मटेरियल, ड्रेस है ये मेरा एक्चुअली, ये मैंने अपने सिस्टर के साथ ट्विनिंग करने के लिए ये ड्रेस खरीदा है, और इसका फैब्रिक थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटेड हुआ, टॉप इज़ गुड नॉट आई एम सेइंग अबाउट द टॉप इज़ गुड, और मैंने इसमें ब्लैक में ऑर्डर किया था वो आया ब्लू, लेट इट बी ब्लू इज़ ऑल्सो नॉट द गुड ब्लू इज़ ऑल्सो नॉट द बैड कलर आई विल गो बाय इट, बट द थिंग इज व्हाट इसका फैब्रिक यार, क्योंकि इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा थिन है, आप लोग देख सकते हो इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा थिन है, लाइक नॉट दैट मच सी थ्रू बट थोड़ा सा सी थ्रू है,
आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा सी थ्रू है, पर लेट इट बी फेवरेट एंड फेवरेट वाला फेवरेट है। एक्चुअली मैं ये सोच रही हूँ कि मैं बर्थडे के दिन ही पहन लूँ ये ड्रेस, क्योंकि फोटो डाल दूंगी अगर मैं बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो देख सकते हो गाइस आप लोग, इसका पूरा स्लीव्स पूरे दो का मिला के एक जगह डाल दिया, इतनी लंबी स्लीव्स है इसकी। टाइप करने के टाइम पे यहाँ पे चेस्ट साइड पे आपको टाइट होगा तो आपका अपर साइड और अच्छा लुक आएगा। तो यहाँ पर आपको विदाउट स्लीव्स मिलेंगे, एक साइड विदाउट स्लीव्स रहेंगे और एक साइड पूरा एक कतान मिल जाएगी आपको, कि आप पूरा फुल टॉप है गाइस आप लोग देख सकते हो एकदम लाइक वाह, मुझे ना बारबी वाली फीलिंग ही मानी है पहनने के बाद। तो यस, तो अगर मेरे टाइम तक मैंने कुछ खरीदा नहीं है अपने लिए तो आई विल गो बाय दिस, क्योंकि भी लाइक जंप सूट टाइप ही है। मैं आपको बहुत सारे जंप सूट ही बता रही हूँ क्योंकि मैं ज्यादा आजकल जंप सूट पे इन्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि जंप सूट पे आपको टी शर्ट भी मिल जाती है और पैंट भी मिल जाता है, तो क्यों अलग अलग खरीदना फिर उसके पैंट का टेंशन ये टेंशन। तो बेटर है कि मैं जंप सूट पे इन्वेस्ट करूँ। तो इट्स लाइक क्रॉप टॉप, आप लोग इसका वीडियो भी देखे होंगे मेरा व्लॉग पे, पूरा व्लॉग में पूरा यही पहन के थी मैं। सो यस, ये भी मैंने मीशो से खरीदा था, इसका भी प्राइस बहुत कम था, अप्रॉक्सिमेटली 600 या 500 कुछ था इसका प्राइस। तो इसका फैब्रिक ओ माय गॉड, आपको ये पहनने के बाद अगर आप कुछ जैकेट डालो ना, तो बोल रही हूँ कि सर्दियों के महीने में भी अगेन विंटर सीजन ऑल्सो यू विल बी गो बाय इट। अब इतना ज्यादा आपको इसमें वार्म फीलिंग आएगी विथ इलास्टिक नहीं है तो मैं बताऊंगी। ये मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम वालों को देखा है पहनते हुए, बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी देखा है। इट्स लाइक अ पिंक टॉप, आप लोग देख सकते हो। ओके, इसका वर्क कतान की साड़ियों पे रहता है ना वैसा लग रहा है, देखिए आप लोग। और ये एकदम अनारकली टाइप लग रहा है, आप लोग अनारकली तो पहने होंगे ना बहुत टाइम, तो इसका ड्रेस एकदम अनारकली टाइप ही है। देखिए ऊपर से ऐसा आपको थोड़ा सा अटैचमेंट देके नीचे अनारकली जैसा फील दे दे रहे हैं, और नीचे शरारा है, ये शरारा भी बोल सकते हो आप इसको या गरारा भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें लेयर्स है, आपको देख सकते हो वन लेयर एंड टू लेयर्स का पैंट है ये, तो इसको आप शरारा या गरारा भी बोल सकते हो। इसपे भी ही सेम वर्क है और इसको दुपट्टा भी दिया गया है, तो ये बेस्ट है गाइस वेडिंग ड्रेसेस में, वेडिंग सीजन में। आप लोग किसी के पास गए हो और वहां पर ऐसे ऐसे ड्रेसेस पहनोगे ना तो लाइन लग जाएगी आपके लिए। सो यस, द पिंक कलर, ये मेरा फेवरेट कलर है एज आई सेड यू। तो मेरे पास पिंक कलर के कोई ड्रेसेस भी नहीं थे, इंडियन ड्रेसेस, तो मैंने एक्चुअली शादी का सीजन आ रहा है मेरे घर में भी, जनवरी के मंथ में मेरे घर में भी शादी है, माय कजन की शादी है, तो मैंने सोचा कि मेरे पास वेस्टर्न के साथ इंडियन ड्रेसेस भी होने चाहिए। तो आप लोग इसमें इन्वेस्ट करिए गाइस, स्पेशली ये इंडियन ड्रेसेस में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एंड दिस सैंडल इज लाइक, ये पूरा ट्रांसपेरेंट सैंडल है, अंदर से आपको रहेगा ऑब्वियसली, ये पूरा ट्रांसपेरेंट है और यहाँ पर भी ट्रांसपेरेंट है। एक्चुअली ये ट्रांसपेरेंट मैं कब से की लेना चाह रही थी बट मैंने लिया नहीं, क्योंकि मुझे ना ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन कोई शू सैंडल में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि साइज वाइज में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, बट एग्जैक्टली मुझे साइज बराबर आया है ये। तो ना जो वेस्टर्न वेयर में और इंडियन ड्रेसेस में उनके टमी दिखते आती है, तो ये टमी टक्कर है, तो आप लोग ये पहन सकते हो, आपका टमी एकदम हाइट हो जाता है अगर आपको इसको भी ये मैं सीरियसली रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि मैंने टेस्ट किया है, इट्स अ वेरी गुड फैब्रिक और टमी टक्कर, और ये नॉट ओनली फॉर द पीपल हु हैव द टमी, और वो भी पहन सकते हैं जो जिम कर रहे हैं, क्योंकि जिम वालों के लिए भी बेस्ट है ये टमी टक्कर, आपके लोअर टमी को थोड़ा सा रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो इट्स अ गुड फैब्रिक फॉर यू ऑल गाइस, फॉर ऑल यू गर्ल्स, के आप लोग इसे फॉलो कर सकते हो। मेरे भी फैमिली में बहुत सारे जने हैं जो मुझे एडवाइस करते हैं कि टमी के लिए क्या खाए क्या करें, अब खाने से तो जल्दी जल्दी होता नहीं, एक्सरसाइज करने से तो टाइम है नहीं, अभी तो वेडिंग सीजन आने वाला है, तो
हमें अपना टमी छुपाना है, तो मेरा भी थोड़ा सा टमी है. यस, आई डोंट से कि नहीं है, मेरा भी थोड़ा सा टमी है, इसलिए मैंने भी मंगाया है ये. सो यस गाइस, आई थिंक मेरा मीशो हॉल पूरा कंप्लीट हो चुका है और मुझे भी अच्छा लगा है आपसे इंटरेक्ट करके. बहुत दिन के बाद एक अच्छा खासा ट्राई ऑन हॉल करके मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा है. आपको बैकग्राउंड का थोड़ा सा लुक और व्यू बता दूंगी, क्योंकि ऐसे बताने से आपको मुझे समझ में नहीं आएगा, अगर मैं बैक कैम से बताऊंगी तो और ज्यादा अच्छा लगेगा. ये मेरा स्टूडियो है गाइस, फॉर यू ओनली. मैंने एक्चुअली ये स्टूडियो इसीलिए लिया है क्योंकि मेरे को बहुत सारे इन फ्यूचर आपको पता चलेगा कि मैंने स्टूडियो ये क्यों खरीदा है. स्टूडियो क्यों खरीदा है ये सेकेंडरी है. और मैंने स्टूडियो को इतना ज्यादा सुपरली अरेंज किया है ना, आई थिंक मेरे हिसाब से एकदम वाला फीलिंग है. अगर आपको मेरा स्टूडियो का हॉल स्टूडियो देखना चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट करिए. मुझे जितने सारे कमेंट्स आएंगे, जितने सारे लाइक्स आएंगे, मैं तभी जाके मैं अपना पूरा स्टूडियो का व्यू और लुक और जैसे कि हॉल बता सकती हूँ. सो यस गाइज, ये तो मैं इतना साइड बता दूंगी क्योंकि आप लोग ऑब्वियसली वेट कर रहे होंगे, तो मैं ये बता दूंगी. बट आपको पूरे हॉल का, बेडरूम का और मेरे मेकअप रूम का हॉल देखना है, व्यू देखना है, लुक देखना है, तो कमेंट और लाइक और शेयर करिए, तभी जाके मैं करूंगी, वरना नहीं करूंगी. क्यों बताऊं भाई, क्यों बताऊं. नहीं, अगर आप लोग कमेंट लाइक शेयर नहीं करोगे तो मैं क्यों बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, बट इसका बता दूंगी. तो हम चलते हैं, अब खत्म करते हैं अपना वीडियो. और अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि मैं तक टाइप की वीडियो चाहते हो. तो डू कमेंट एंड से मी कि आप क्या डिफरेंट चाहते हो. तो हम तब तक के लिए आपके दुआओं में रहेंगे और आप हमारे दुआओं में रहोगे. बी हैप्पी इन योर होम, बी विथ योर फैमिली, डोंट ट्रबल टू एनी वन, एंड ऑलवेज सी माई वीडियोज, मतलब हमेशा सिर्फ मेरे ही वीडियोज देखते रहो. सो लेट इट बी गाइज, अल्लाह हाफिज.